काका बाबा बदन राम राम। हूँ तुम्हारी बस में आ गयो मुकेश परमार खबर लेने। आज बात कर ली जर ठेकानू जो धान वाटे जे जर ठेकानू धान जे वाटे जे गाँव में त्या आज त्या कर्मचारी ज्या सेल्समैन से आज ते हड़ताल पर क्या किया हमू या मशीन ते वाटवो नहीं तीनियारू मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ ना ये आज झाबवा में रैली निकाले कि आ मशीन लीन चाले या मशीन भी देखिए हूँ कल से ना मशीन में जरे हमने बताड़ो मालूम पड़े गया रैली निकाले लीन जा रहे ना मशीनों ले हमारा पहरा भी मिले घनी वट सजा भी मिली कि मशीन काम करवा दी रहा नहीं करवा दी रहा हूँ कल थाई हम ना अधिकारी से ना जो कर्मचारी से थी हूँ भी पूछी कि हूँ कल थाई से हाँ आज ये मशीन ने रैली हानि वालों निकाली किम के हमारी मांग ने पूर्ति नहीं करी रहा हूँ ये विकल्प था कि हम मशीन ने तो मुझे यहाँ सजा भी ने आखी रैली काटी हम ये एक ऐसी रैली काटी के दुनिया भी बताड़ू सही है हताड़ी हताड़ी कहाँ तक हताड़ू जो हमारा मुद्दों है जो अगल लावी रहा कर्मचारी भी 8,000 मा करे तो हमू भी करवा तैयार अच्छा पगार बराबर नहीं मळे अने बीजो बीजी ते अने हमू तिरे पूरो आलो कहाता आले हम जो कॉपी पूरो आले त्यो पूरो आलो एम के ते आऊ हमू कहाते आलो या फिर सरकार पहले फ्री नो नहीं आलतो था तेर हमारी मीटिंग असल साते दे नसल वाटता था हमू इन वसमा केम का बोलाम घाल देता अने कोरोना मा हमू ई समकी समकी रहतेला अने हमू ये हमारो जीव भी आल दे दो सेवा मा हां के सालो इनान कोरोना नहीं था तो गुजरात था आवेला ऊपर वाला हमारी झगड़ा कर ऊपर वाला हमारी झगड़ा कर नहीं तो तीमा फिरी वाटवानो हो तो इतरे हाव कलत पे हूं कम थाई कि हा बेलो मशीन आवी गयो पहली हिनी हारू हिने ता बराबर माल नहीं आवी रो भाई लोको ना माल कटी रो ते फिर गांव वाला ने हूं करी ना लिए गांव वाला के बराबर आलू जो एम के कूपन वाला हमारी झगड़ा कर कूपन वाला ती झगड़ा करी ना संदीप भाई अइया आज एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं क्यों क्या सेल्समैन को क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई मुकेश भैया सेल्समैन इसलिए इकट्ठे हुए हैं जो हमारी मशीन है हमारे पास अनाज पूरा नहीं आ रहा और वेतन वृद्धि हमारी नहीं है हमारी सरकार से ये मांग है कि हम हमारे को संविदा बेस पे ले समान वेतन समान कार्य आप पे ये भी आरोप लगा देंगे कि आप सेल्समैन ये मशीन आने की वजह से क्या सही समय लोगों को माल मिल पाता है और कहीं और गबल नहीं करे या भ्रष्टाचार नहीं करे इस तरह का भी लोगों को आरोप था आप सुनो मुकेश भैया मशीन क्या सच्चाई है मशीन साल भर से ऑनलाइन है पोर्टल पे आप कहीं भी चेक कर लो आपका अंगूठा लग रहा तो आपको खाद्यान्न देना है बिगैर अंगूठे के तो पर्ची नहीं निकल रही तो काला बाजारी कहाँ से हो रही 22 राज्य में उपभोक्ता कैसे भी राशन ले सकता है आपका अंगूठा लगेगा तो ही हम पर्ची निकाल पाएंगे तो फिर सेल्समैन कालाबाजारी कहाँ से कर रहा है आगे से माल कट कट के आ रहा है जिसका 300 क्विंटल आता था वहाँ 3 क्विंटल आ रहा है लोगों को पूर्ति कैसे होगी ये इस वजह से आप आज रैली और हाँ सजा के क्यों जा रहे मशीन को मशीन हम पहले हम जिला आपूर्ति अधिकारी के पास गए थे जमा करने साहब ने बोला मशीन आपके पास रखो अब हम DR ऑफिस ले जा रहे हैं सबको मशीन जमा कराएंगे जमा कराएंगे दिखाएंगे नहीं ताकि इस पर काम करा तो जैसे तैसे मशीन खुली थोड़ी जाती कोई भी हो अपन कई शादी ब्याह करते तो भी वो असाड़ बेचते नहीं इसलिए इनको असाड़ जैसा करा हमने बिल्कुल इसमें जो मशीन का फिंगर होता है उसी को अनाज देते हैं ये आप कह रहे हैं सही बात है लेकिन जो गुजरात या अलग राज्यों में मजदूर हैं और वो भी उनके परिवार के व्यक्ति अगर लेने आते हैं तो उनको देना देते ही देते देखिए मशीन में POS मशीन के सॉफ्टवेयर में या सर्वर में बहुत सारी खामियां हैं आए दिन ऑटोमेटिक इसमें CV स्टॉक घट जाता है कभी अचानक से बढ़ जाता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो फिर ऐसी लापरवाहियां क्यों हो रही है CV स्टॉक बढ़ जाएगा आज हमारी अगर कोई दुकान चेक होती है तो उसके पास मशीन के आधार पर स्टॉक ही नहीं मिलता है वास्तविक स्टॉक अगर उसके पास 10 क्विंटल है तो मशीन में अचानक बढ़ के हो जाएगा 200 क्विंटल 250 क्विंटल उसके उस CV के आधार पर आवंटन आ रहा है अब आवंटन अगर मान लीजिए किसी दुकान का 400 क्विंटल का है और CV बड़ी हुई है 600 क्विंटल की है तो उस दुकान पे तो माल आ ही नहीं रहा है और उससे फिर कहा जा रहा है कि तुम कहीं से भी बांटो तो कहाँ से सेल्समैन बांटेगा समस्या ये हो गई है इसी की बात करें और दूसरी बात तनखा को लेकर भी और आपकी स्थायी मांग की वेतन वृद्धि जरूरी है हमने मांग करी है हमारे महासंघ ने कि समस्त कर्मचारियों को राज्य शासन का कर्मचारी घोषित किया जाए
ये लड़ाई चल रही है हमारी, अभी अस्थायी हो आप? अभी अस्थायी है सर, संविदा बेस पे। संविदा बेस पे તો તમે સાંભળ્યું હોય કે એ બધા કર્મચારી જે છે સેલ્સમેન છે ત્યાં કે કીરા છે કે એ મશીનથી ગરબડ થાય રહી અને જે બરાબર ઓનલાઈન યા ગરબડ થાય તો જ્યાં વાટવા જાય તાખો કો ધન બહુ પડે ના વાટવા મળે ના કંઈ નહીં તો એ મશીન સરકારની યોજના ફેલ થાય રહી છે એની યોજનાના ખદારે અને જે વાક્યમાં જે માલ છે તે બરાબર વટાય અને એવી પરેશાની નહીં હોય એના કર્મચારીનું એમ કહેવાનું કે સેલ્સમેનનું કે હું સ્થાયી ઘોષિત કરે કે સરકાર હમ વસમાં ઝેલાડી મળ્યા તે કાં હું તો ઝેલીએ તે એ સરકારથી માંગ કરી રહ્યા છે તે એવી રીતે હું ફેર તમારી વસમાં મુકેશ પરમાર એવી રીતની ખબર આપતો રહી કાકા બાબા બધાને રામ રામ.